हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोबेबिलिटी के पार्ट टू वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक फार्मूलाज बताऊंगा और प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फार्मूलाज आते हैं हमारे, सो मैं आज इस वीडियो लेक्चर में वो भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर मेरा प्रोबेबिलिटी का पार्ट वन प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है So, वो वीडियो पहले देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ये वाला वीडियो और भी आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। सो चलिए पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं प्रोबेबिलिटी के कुछ और फॉर्मूलाज पर डिस्कस करूंगा, साथ में उसका एग्जाम्पल भी दूंगा। सो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ चुका है और उससे रिलेटिव एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा अभी आपके सामने कि जो है जो फॉर्मूला है उससे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वे ए कैन अक्यूर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो पहले उसको देख ले, उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट इन सब का डेफिनेशन के साथ साथ एक एक एग्जांपल भी मैंने सॉल्व करवाया है। सो आपको सैंपल स्पेस, इवेंट, ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को और भी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। So, अभी इसमें इवेंट यूज हुआ है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज डिफाइंड एज, अगर कोई इवेंट दिया हो तो उसको पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हम कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ ए, ए को हम कितने तरीके से पा सकते हैं और उसको हम अगर टोटल नंबर, अब उस आउटकम का जो टोटल नंबर होगा, जितने भी आउटकम्स होंगे उसके जो टोटल नंबर होंगे उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें ए जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल हम लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ फाइव व्हेन अ डाई इज रोल्ड। ये कहा जाता है कि एक डाई को अगर रोल किया जाता है तो उसमें से फाइव को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सैंपल स्पेस बताया था, जैसे हमने सपोज किया कि एक डाई को हम रोल कर रहे हैं, अब उसके रोल करने पर जो उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, जो उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसका जो एक सेट होता है वो हमारा सैंपल स्पेस होता है। सो पहले तो हम इस क्वेश्चन में इसका सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे। देखिए जो डाई होता है उसपे उसका जो सैंपल स्पेस होता है हम उसको एस से लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होता है। स्टूडेंट्स, डाई जो है एक क्यूबॉइड फॉर्म में होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस में डॉट डॉट बने हुए होते हैं, जिसमें एक फेस पर एक डॉट बना होता है, अनदर फेस पर दो डॉट बना होता है, ऐसे ही 6 नंबर के जो फेस होते हैं उसमें 6 डॉट बने होते हैं, सो हम उसको 6 काउंट करते हैं। सो यहां पर भी इसीलिए हमारा जो आउटकम्स होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे यहां पर वो हमारे 6 होंगे, इसीलिए मैंने जो है सैंपल स्पेस में उसको लिख लिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5 When a die is rolled, जब डाई रोल किया जाता है तो उसमें 5 को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब 5 को हम कितनी बार पा सकते हैं, एक बार हम जो है डाई को अगर रोल करते हैं तो 5 को आने का चांसेस कितने हैं, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज अ चांस। सो 5 जो है, 5 जो है आने के चांसेस कितने हैं, 5 तो एक ही बार आ सकता है। सो इवेंट, हमारा इवेंट जो है क्या है, इसका इवेंट को हम यहाँ पर ई एज्यूम कर लेते हैं, तो जो इवेंट है वो यहाँ पर क्या दिया है, अ 5 व्हेन डाई इज रोल्ड, ठीक है ना, गेटिंग 5 व्हेन अ डाई इज रोल्ड। सो 5 को हम कितनी बार, कितने चांसेस है 5 के आने की, एक ही चांस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट का, इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन टोटल नंबर क्या है हमारा, देखिए फॉर्मूला में क्या था, नंबर ऑफ वे ए कैन अक्यूर, अब यहाँ पर जो ई है, जो इवेंट हमारा दिया हुआ है वो हम कितनी बार
फाइव के आने के चांसेस कितना, ये भी बार है, सो टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा और ये फॉर्मूला क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। सो अब चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। हमारे पास कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला क्या है उसका। मैं उसको राइट डाउन कर लिया है। सो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा इवेंट होते हैं एक साथ, जब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है तो उस कंडीशन में हम कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। और उससे पहले मैं आपको कुछ नोट बताना चाहता हूं, अगर स्टूडेंट्स कभी क्वेश्चन में आपको कोई भी दो इवेंट है और उसके बीच में और दिया हुआ है, तो दोनों इवेंट के बीच में अगर और है, दैट्स मीन नथिंग बट इट इज ऑनली यूनियन। सो वी हैव टू यूज यूनियन। आप जानते होंगे यूनियन क्या होता है, और जब कभी भी एंड होगा, कोई भी दो इवेंट के बीच में एंड होगा, तो उस कंडीशन में हम जो है एंड के प्लेस पर इंटरसेक्शन यूज करेंगे। सो अभी देखते हैं कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि यूनियन के प्लेस पर हमें क्या यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, इंटरसेक्शन के प्लेस पर हम एंड यूज कर सकते हैं। सो मैंने उसको उसी फॉर्मूले दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट ए एंड बी, जहां पर हम एंड के प्लेस पर इंटरसेक्शन यूज कर सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में एंड दिया हो तो आप इंटरसेक्शन यूज करिएगा, और दिया हो तो वहां पर आप यूनियन यूज करिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। अब लेते हैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल और जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखते हैं कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टू और अ फाइव व्हेन अ डाई इज रोल्ड। जब एक डाई को रोल किया जाता है, सो टू और फाइव को पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। गाइस यहां पर क्वेश्चन में नोट करने वाला एक पॉइंट है जिसको मैंने रेड मार्कर से ऑलरेडी मार्क कर चुका हूं मैं। अब देखिए टू और फाइव, यहां पर ये बताया गया कि टू और फाइव। स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, सो सबसे पहले आपको उसका सैंपल स्पेस ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप सैंपल स्पेस को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने सैंपल स्पेस पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि सैंपल स्पेस क्या होता है और कैसे जो है सैंपल स्पेस को ड्रॉ किया जाता है। सो यहां पर हम चलिए सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस को हम सिंपली एस से डिनोट करते हैं। और इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, जब एक डाई को जब रोल करेंगे तो डाई में हमें पता है कि सिक्स फेसेस होते हैं और सभी फेसेस का जो है वन टू डॉट ऐसे करके मेंशन होता है। सो उसमें जो है हमारे सिक्स तक ही नंबर में होंगे। सो अब उसमें ये कहा जाता है कि टू और फाइव, इसका मतलब ये है कि यहां पर कंपाउंड प्रोबेबिलिटी लगेगा। सिंपल है, मैंने बताया था कि जब दो इवेंट का साथ में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने होते हैं सो हमें जो है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का यूज करना होता है। अब यहां पर देखिए हमारे पास कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट्स हम यहां पर जो है दो इवेंट की बात किया है हमने यहां पर। सो दो इवेंट हम यहां पर ए और बी लेते हैं। सो ए इवेंट को लेट ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग टू, और जो बी इवेंट है ना, इवेंट बी इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग फाइव। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ए का, ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए और बी इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो हम यहां पर सबसे पहले हम इनका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं ए का। अब इवेंट ए गेटिंग टू, अब दो को पाने की कितने चांसेस है हमारे पास, दो को हम एक ही बार पा सकते हैं, सो 1/6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर लेते हैं, अब फाइव को पाने के कितने चांसेस हो सकते हैं, एक ही चांसेस है, सो 1/6। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये हुआ कि टू और फाइव में कॉमन क्या है। सो स्टूडेंट्स यहां पर टू और फाइव में तो कोई चीज कॉमन है नहीं, सो क्या हो जाएगा उसका इंटरसेक्शन जीरो हो जाएगा। अगर किसी का इंटरसेक्शन जीरो है, कोई भी दो इवेंट है उसका इंटरसेक्शन जीरो है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होगी। सो देखिए, सिंस ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स मीन क्या है, टू इंटरसेक्शन फाइव, कुछ भी नहीं आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी इनका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू जीरो। सो नाउ वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन दिस इक्वेशन, देन वी गेट आंसर। सो पी ए, अब देखिए स्टूडेंट्स सिंपली हम ए के प्लेस पर कितना यूज कर सकते हैं, ए जो इवेंट है वो हमारा क्या है, गेटिंग टू, सो वी कैन राइट हियर टू। और बी, बी के प्लेस पर बी देखिए क्या कहता है, इवेंट ऑफ गेटिंग फाइव, सो वी कैन राइट हियर फाइव इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारा इवेंट गेटिंग टू है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/6 है, प्लस बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, माइनस जो उसका इंटरसेक्शन है, दोनों इवेंट का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है, ऑलरेडी जीरो है हमारे पास। सो हम इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो 2/6 आ जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। देखा आप लोगों ने कि कंपाउंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। सो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। अब जो मैं फॉर्मूला पर डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए स्टूडेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब कोई भी दो इवेंट होता है और उन दोनों इवेंट्स में कोई भी टर्म जो है कॉमन नहीं आता है, दैट्स मीन कि दो इवेंट्स होंगे और उन दोनों इवेंट्स के आउटकम्स में से कुछ भी कॉमन ना आए, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन जीरो होगा। सो इवेंट्स के इंटरसेक्शन अगर जीरो होगा सो उसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो होगी। सो उस कंडीशन में हम इवेंट्स के इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है सब जीरो हो जाता है, सो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो, एंड के प्लेस पर आप सिंपली इंटरसेक्शन यूज कर सकते हैं, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो। गाइस वीडियो लेंथी हो रहा है इसीलिए मैं जो है वीडियो को अभी यहीं पर एंड करूंगा, और आने वाली प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3 वीडियो में मैं जो है ताश यानी कि कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, और ए टू जेड मैं उसका चार्ट बना करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि जो है जो कार्ड्स होते हैं उसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।